हेलो फ्रेंड्स, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आईएएस एग्जाम की तैयारी का पहला कदम क्या होता है। आईएएस एग्जाम की परीक्षा के लिए आवश्यक है कि आप पहले खुद को तैयार करें, और तैयारी महज शारीरिक नहीं आप तो मानसिक भी होनी चाहिए। आपको पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए कि आप आईएएस बनने के योग्य हैं। आपके अंदर का आत्मविश्वास आपके बाहर के व्यक्तित्व को बनाता है। और फिर एक बड़ी बात सामने आती है, तैयारी की शुरुआत कैसे की जाए और इस दिशा में पहला कदम कौन सा हो। सबसे पहले इस परीक्षा की आवश्यकताओं, बारीकियों और उससे जुड़ी हर चीज को समझें कि परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या करना है। जब एक बार तैयारी शुरू कर दी तो आपका अगला कदम होना चाहिए अपने ऑप्शंस या वैकल्पिक विषयों का चयन। इससे आपको खुद को परख कर इसका निर्णय लेना चाहिए कि किस विषय को पढ़ने में आपको दिलचस्पी है। जैसे आईएएस के प्रीलिम्स और मेन एग्जाम के लिए आपको बहुत सारे विषयों का अध्ययन करना होता है, पर वैकल्पिक विषयों का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद का चरण है किताबों और स्टडी मटेरियल का चुनाव। बाजार और इंटरनेट इतनी सारी सामग्री किताबों, कोचिंग नोटों से भरे गए हैं कि इस समुद्र में खो जाना बहुत ही आसान और स्वाभाविक है। इसलिए आपको अपनी बुक लिस्ट बनाकर इसका सही तरह से पालन करना चाहिए। सभी किताबों और सामग्री को कम से कम 10 बार पढ़ें। हमेशा ही कम किताबों की लिस्ट बनाएं और इसे अनगिनत पढ़ते रहें, जब तक कि इसमें लिखे शब्दों का भावार्थ आपको अच्छी तरह से समझ ना आ जाए। आप चाहे तो अपनी बुक लिस्ट बनाने के लिए हमारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। यहाँ हम आपकी थोड़ी समस्या को दूर करने के लिए किताबों की सूची दे रहे हैं, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकों के साथ साथ इन किताबों को भी अवश्य पढ़ें। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर न्यूज बुक्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्र, एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया टेक्स्ट बुक, ज्योग्राफी जी सी लियोंग, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, इंटरनेशनल रिलेशंस न्यूज़पेपर द हिंदू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी द हिंदू, इंडियन इकोनॉमी संजीव वर्मा और शंकर गणेश फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड रमेश सिंह फॉर फर्दर डिटेल स्टडी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी शंकर, आईएएस और न्यूज बुक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लियो। और इसके साथ ही प्रभात प्रकाशन की भी बहुत अच्छी सीरीज निकली हुई है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। इन किताबों को नियमित तौर पर पढ़ने के साथ साथ अपनी परीक्षा के लिए एक शेड्यूल तैयार करें। और आजकल बहुत सारे ऑनलाइन मीडियम में वेबसाइट्स हैं जो कि मटेरियल देते हैं, उन्हें नियमित रूप से फॉलो करें और आंसर राइटिंग का शुरुआत करें। आप उनके द्वारा प्रदान की गई प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में भी दाखिला ले सकते हैं, ताकि आप अपने स्वयं के प्रदर्शन का आंकलन कर सकें। समाचार पत्र खास करके द हिंदू को नियमित रूप से पढ़ें। इसका ऑप-एड अर्थव्यवस्था, विदेशी मामलों और सरकार की नीतियों के ऊपर लेख पर विशेष ध्यान दें। दिन के हर महत्वपूर्ण विषय पर व्यक्तिगत हस्तलिखित नोट्स तैयार करें। ये नोट्स कैसे बनाएं, इसका वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस तरह से नोट्स तैयार करें कि ये 5W और 1H सवालों के जवाब दे। क्या परिभाषित करें, कब समय सीमा, कहां स्थान, किसे लोगों ने शामिल प्रभावित किया, क्यों यानी कि कारण, कैसे निहितार्थ, पिछले वर्ष के प्रश्नों का हल करें और उसका विश्लेषण करें। साथ ही ऑनलाइन उपलब्ध मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपनी इस तैयारी का सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि आपका मन और दिमाग जितना स्वस्थ होगा आपकी तैयारी भी उतनी परिपक्व होती जाएगी। तो आई एम श्योर ये दिए गए कुछ सुझाव हमारी तरफ से आपके लिए थोड़े हेल्पफुल होंगे। ऐसी कई और वीडियोस के लिए देखते रहिए प्रभात एग्जाम का यूट्यूब चैनल, और इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।